गाइस आप लोगों को पता होगा मेरे पास ऑलरेडी एक देसी डीजे ट्रक है, उसके ऊपर मैंने अभी बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगाकर उसको अच्छे से मॉडिफाई कर दिया है। आज देसी डीजे ट्रक के साथ मैं ये दोनों को भी डीजे वगैरह लगाकर बहुत मस्त तरीके से मॉडिफाई करने वाला हूँ। ये है टोयोटा मेटल ट्रक, इसके ऊपर तो भाई साहब बहुत बड़ा वाला मैं ब्लूटूथ स्पीकर आज लगाऊंगा और साथ में ये बैटमैन बैटमोबाइल के ऊपर भी लगाने वाला हूँ। चलो गाइस फटाफट से पहले करते हैं इन तीनों की अनबॉक्सिंग, फिर कराएंगे इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन सी डीजे वाली ट्रक जीतती है। लेट्स स्टार्ट। इमेजिन करके देखो गाइस इसके ऊपर हम लोग डीजे लगाएंगे तो ये कार कितनी ज्यादा बवाल दिखाई देगी। बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। बैटमैन बैटमोबाइल आरसी कार को मैंने निकाल लिया है बॉक्स के अंदर से बाहर। इसके व्हील्स इस कार से भी ज्यादा ब्लैक नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड में। इसके अंदर मिलता है इस तरह का रिमोट कंट्रोलर, रिमोट भी कंप्लीटली ब्लैक कलर का है और इसका डिजाइन भी देखो कितना ज्यादा अलग बना रखा है। जस्टिस लीग बोल के लिखा है यहाँ पर इसका ट्रिगर है। यहाँ पर बूस्टर का बटन भी मिल जाता है। इसके अंदर बूस्टर का बटन हम लोग जैसे दबाते हैं ये कार की स्पीड दो गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, एक एलईडी इंडिकेटर भी है। नीचे की तरफ तीन डबल बैटरी डालनी पड़ती है। ये कार एक रियल बैटमैन बैटमोबाइल आरसी कार से ही इंस्पायर्ड। व्हील्स भी बहुत ज्यादा बिग साइज के है ताकि हम इसको ऑफ रोड में भी चला सके। सामने बहुत बड़ा एंटी कोलिजन बंपर भी दिया गया है। ऊपर की तरफ इस तरह के फिन्स है, पीछे से इस तरह की दिखाई देती है और इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक हैंडल भी दिया गया। बैटरी इसके अंदर ही आ जाती है, बैटरी को हम लोग निकाल नहीं सकते। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा सॉलिड है और ये दिखने में तो भाई एकदम बवाल दिखाई देती है। अभी इस कार के ऊपर मैं लगाऊंगा ये वाला स्पीकर, शायद ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। ये लगाने के बाद ये प्रॉपर तरीके से स्टंट वगैरह कर पाएगी या फिर नहीं, अभी अनबॉक्स करते हैं रियल डीजे कार को। इसके ऊपर तो मैंने अभी बहुत सारी एलईडी लाइट्स भी लगा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर कितना ज्यादा चमक रही है हमारी रियल डीजे कार। फटाफट से ये स्टिकर्स वगैरह मैं हटा देता हूँ यार। ओहो ओ माय गॉड, ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। ये कार को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं, इस वजह से ये बहुत यूनिक तरीके के व्हीली वगैरह मार सकती है। इसको मैं रखता हूँ साइड में, अभी दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने अभी क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं। इसके ऊपर इस तरह की एलईडी लाइट्स लगा रखी है, साइड में भी एलईडी लाइट्स है और ऊपर की तरफ भी इस तरह की रंग बिरंगी एलईडी लाइट्स लगा दी है। इस वजह से अभी हम लोग इसको नाइट में चलाएंगे ना गाइस, ये कार एकदम जबरदस्त दिखाई देने वाली है। ये देखो यहाँ पर है इसके अंदर एक बहुत बड़ा वाला ब्लूटूथ स्पीकर और पीछे की तरफ भी मैंने बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगा दी है। ये रही हमारी बैटरी, इसके अंदर मैं 7.4 वोल्ट 1600 एमएच की बैटरी यूज करने वाला, गाने भी बजाकर हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं। अभी अनबॉक्स करते हैं टोयोटा मेटल ट्रक को। ये कार जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा आज मैं इसके अंदर डीजे का स्पीकर लगाने वाला हूँ। ये कार भी कंप्लीटली 4x4 है तो इसका भी वेट बहुत ज्यादा होने वाला है स्पीकर लगाने के बाद। यार ये कार को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा दिया गया। इस तरह का थर्मोकोल में पैक होकर आती है हमारी टोयोटा मेटल ट्रक। अभी इसको मैं सीधा कर देता हूँ यार यहाँ से। ये देखो आ गई हमारी टोयोटा की मेटल ट्रक, बिल्कुल ब्लैक कलर में दी गई है। इसके पीछे यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है तो इसके अंदर मैं एक बहुत बड़ा डीजे का स्पीकर आज लगाऊंगा। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स इसके अंदर मिलते हैं। इसके अंदर गियर सिस्टम भी दिया गया है, ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, ये थर्ड गियर है। ऊपर की तरफ यहाँ पर बहुत सारे नॉब्स, बहुत सारे स्विचेस भी दिए गए ताकि हम इसको अलग अलग टेरेन में अलग अलग तरीके से चला सके। यहाँ पर इसकी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो इसके अंदर मैं आज यूज करूंगा ये बैटरी। 2600 mAh 7.4 वोल्ट की बैटरी है ये। टोयोटा मेटल ट्रक के ऊपर मैं लगाऊंगा ये इतना बड़ा वाला ब्लूटूथ स्पीकर। इसके अंदर डुअल स्पीकर है, इस तरफ से भी ये बज जाता है और इस तरफ से भी ये बज जाता है। इसका साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है और इसको मैं शायद यहां पर फिट कर दूंगा। इसकी जो बॉडी है कंप्लीटली मेटल की ही बनाई गई है, यहां पर इसकी मोटर वगैरह दी गई है। तो गाइस तीनों ही कार्स को मैंने यहां पर रख दिया है, तीनों का साइज सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। इन सब में से ये टोयोटा मेटल ट्रक सबसे ज्यादा बड़ी है, उसके बाद हमारी रियल डीजे ट्रक है। चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं तीनों के बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन सबसे बढ़िया स्टंट वगैरह करेगा और कौन सभी को यहां पर हराकर विनर हो पाएगा। चलो दोस्तों लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले देसी डीजे पिकअप ट्रक को टेस्ट करते हैं। स्पीकर ऑन कर दिया मैंने, आवाज सुनो गाइस इसकी कितनी ज्यादा लाउड है। ये कार के जैसे स्टंट कोई दूसरी कार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जब इस कार को मैंने नाइट में टेस्ट किया तो सच बता रहा हूँ ये कार एकदम धमाकेदार दिखाई दे रही थी और चलाने में इसको अलग लेवल का मजा भी आ रहा था गाइस मेरे को। अभी ये टोयोटा डीजे ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। अभी इसका स्पीकर ऑन कर देते हैं।
ओहो एकदम तगड़े तरीके से ये भी बज रहा है गाइस। यार ये कार भी देखो व्हीली मारने की कोशिश कर रही है और इसने यहाँ पे व्हीली मार दिया। जब से मैंने इसके पीछे इतना बड़ा स्पीकर लगा दिया है ये कार कुछ अलग तरीके से चलने लग रही है और इसका बैलेंस भी ठीक ठाक है प्रॉपर तरीके से। मैंने इसको टेस्ट भी करके देख लिया है और इसका ब्रेक भी बहुत परफेक्ट तरीके से लग रहा है। अभी ये बैटमैन डीजे कार को टेस्ट करके देखते हैं। इसका भी स्पीकर मैंने ऑन कर दिया है, अभी इसके अंदर भी साउंड वगैरह लगाएंगे। ये देखो ऑन कर दिया मैंने, दिखने में छोटा है पर बहुत ज्यादा लाउड से बजने लगता है और इसके अंदर बेस भी बहुत ज्यादा दिया गया है और इसके स्पीकर के अंदर बहुत सारी एलईडी लाइट्स भी दी गई है। चलो अभी इस कार को भी टच करके देख लेते हैं क्योंकि पीछे की तरफ बहुत ज्यादा वेट इसका आ चुका है। तो अभी भी कार बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रही है पर इसका टर्निंग रेडियस कुछ ज्यादा हो चुका है और इसका ब्रेक भी प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहा है। तो गाइस सबसे पहले इन दोनों के बीच में रेस लगाएंगे, देखते हैं यहाँ पे देसी डीजे ट्रक जीतती है या फिर टोयोटा डीजे ट्रक जीत पाती है। दोनों के बीच में रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। टोयोटा डीजे ट्रक बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, यहाँ पे देसी डीजे ट्रक पूरी कोशिश कर रही है इसको टेक ओवर करने के लिए पर ये कार बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है क्योंकि इसका सेकंड गियर बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसकी टॉप स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। क्लियरली यहाँ पे टोयोटा डीजे ट्रक जीत चुकी है इस रेस को। अभी इन दोनों के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं अभी टोयोटा डीजे ट्रक ये बैटमैन डीजे ट्रक को भी हरा पाती है। यहाँ पे दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। दोनों के अंदर जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दबाया है बैटमैन डीजे ट्रक बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, बहुत ज्यादा आसानी से हरा के रख दिया है टोयोटा डीजे ट्रक को रेस में। अभी इन दोनों के बीच में कराते हैं पुशबैक, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल डीजे ट्रक। यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। देसी डीजे ट्रक ने नीचे से उठा के रख दिया है इतनी भारी भरकम टोयोटा मेटल ट्रक को और देखो गाइस इसने कम्प्लीटली इसको पलट के रख दिया। यार मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि देसी डीजे ट्रक ने इतनी भारी भरकम ट्रक को हरा के रख दिया है पुशबैक में। अभी इन दोनों के बीच में पुशबैक कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पर देसी डीजे ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बैटमैन कार का स्पीकर ही उखाड़ के फेंक दिया है इसने ऊपर की तरफ से और इसको ये बहुत तेजी से पीछे ढकले जा रही है। यहाँ पर बैटमैन बैटमोबाइल आज कर कुछ भी नहीं कर पा रही है, इसने तो ब्रेक्स भी लगा लिया फिर भी देखो गाइस देसी डीजे ट्रक इसको नहीं छोड़ रही है, कम्प्लीटली इसने इसको धूल चटा के रख दिया है पुशबैक में। अभी इन दोनों के बीच में कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखेंगे गाइस अब कौन जीतता है इन दोनों में से। पुशबैक में तो टोयोटा ट्रक हार चुकी थी, टग ऑफ वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे डीजे ट्रक पूरी कोशिश कर रही है टोयोटा ट्रक को अपने तरफ खींचने के लिए पर देखो इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे टोयोटा ट्रक ने खींचना चालू कर दिया है, इसने इजिली हरा दिया है देसी डीजे ट्रक को टग ऑफ वॉर में। ये तीनों आरसी कार्स को मैं भी ऑफ रोड में भी टच करने वाला हूँ, इनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है यार, देखते हैं ये ऑफ रोड में किस तरह से परफॉर्म करती है। पहले देसी डीजे ट्रक को चला के देखते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर से तो बहुत आराम से चल रही थी और ये बैलेंस भी बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही है। अभी मेरे को लगा था कि ये गिर जाएगी पर इसने अपने आप को सही तरीके से बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर गड्ढे भी है देखो गाइस, इतने बड़े गड्ढे में से भी देसी डीजे ट्रक बहुत आसानी से निकल चुकी है। अभी ये टोयोटा डीजे ट्रक को भी टच करके देखते हैं, इसका तो वेट देसी डीजे ट्रक से ज्यादा हो चुका है यार, फिर भी देखो इसका सेकंड गियर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये कार कहीं पर भी एकदम परफेक्टली चल सकती है। और यहाँ पर इसको मैंने गड्ढे में भी चला के देखा यार, गड्ढे में भी ये कार बहुत मस्त तरीके से चल रही थी। अभी बैटमैन डीजे आरसी कार को भी टेस्ट करके देखते हैं, इसको भी मैंने प्रॉपरली ऑफ रोड में टेस्ट किया है और ये ऑफ रोड में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है क्योंकि ये तीनों ही कार्स 4x4 है। अभी नाइट में लाइट टेस्ट करके देखते हैं, नो डाउट देसी डीजे पिकअप ट्रक की लाइटिंग इतनी ज्यादा कमाल की है कि इसके आसपास की जो चीजें हैं ये भी कम्प्लीटली कलरफुल दिखाई दे रही है। टोयोटा डीजे ट्रक के अंदर सिर्फ एक लाइट दी गई है, आने वाले दिनों में मैं इसके अंदर बहुत सारी लाइटिंग भी लगाने वाला। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों आरसी कार्स में से कौन सी आरसी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है तमीम, फैजान, इम्तियाज, अशोक, लवित, महत्व, नसीर, कृष्णा, डुग्गू, ओवेस। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।